हाय व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं NEET 2022 के एडमिट कार्ड के बारे में कि NEET 2022 के एडमिट कार्ड NTA कब तक जारी कर सकता है। तो अगर यदि हम और साल के हिसाब से देखते हैं कि NTA जो होता है नीट के एडमिट कार्ड को लगभग लगभग एक महीने पहले तक जारी कर देता है, यानी कि अगर यदि एग्ज़ाम 17 जुलाई को होगा तो NTA अपना एडमिट कार्ड लगभग लगभग 20 जून तक जारी कर देगा। ये समझ देखा जाता है कि NTA लगभग एक महीना पहले अपना एडमिट कार्ड जारी कर देता है, ठीक है। लेकिन अभी तक NTA इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही जल्द जारी कर देगा अगर यदि पेपर 17 जुलाई को होता है। अब मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि अगर पेपर 17 जुलाई को होता है 17 जुलाई को होता है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस समय लगभग 70-80% स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है 17 जुलाई से आगे बढ़े। लेकिन ये सब कुछ किसके हाथ में? NTA के हाथ में। अगर NTA चाहेगा तो इसको पोस्टपोन कर देगा, NTA नहीं चाहेगा तो इसको पोस्टपोन भी नहीं करेगा। फिर भी स्टूडेंट अपने अलग अलग तरीके से कोई क्या कर रहा है, कोई कोर्ट के अंदर जा रहा है, कोई ट्विटर के अंदर ट्रेंड करवा रहा है, मतलब सब अपने अपने स्तर पर इसको पोस्टपोन करवाने की इच्छा रखते हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर लास्ट में वही बात आती है कि ये सब कुछ किसके हाथ में? NTA के हाथ में है। इसलिए अगर यदि एग्जाम 17 जुलाई को होता है तो NTA अपना एडमिट कार्ड लगभग 20 जून तक जारी कर देगा, और अगर यदि नहीं होगा पोस्टपोन होता है एग्ज़ाम तो फिर जब एग्ज़ाम होगा तभी वह अपना एडमिट कार्ड जारी करता है। फिर भी अगर यदि जो जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करें अपनी प्रिपरेशन को 17 जुलाई मानकर ही करें, और अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही न्यू अपडेट लाते रहेंगे ऑल इंडिया न्यू वैकेंसी के लिए। जय हिंद, जय भारत।